प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी के मऊरानीपुर में सैकड़ों किसानों ने ज्वलन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं धरना प्रदर्शन करते हुए समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में झांसी के मऊरानीपुर में सैकड़ों किसानों ने ज्वलन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला है और साथ ही खरी कोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों ने आरोप लगाया कि DAP खाद खरीफ फसल का मुआवजा अधोषित विद्युत कटौती भ्रष्टाचार के चलते हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत मैलोनी लखेश्वर के किसानों ने किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और बताया कि अतिवृष्टि से हमारी खरीफ की उर्द मूंग तिली की फसल नष्ट हो चुकी है और शासन ने सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन तहसील प्रशासन व लेखपालों की उदासीनता के किसानों को समय से फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं मिला है। इसके संबंध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन जिलाधिकारी झांसी के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को सौंपा गया है। हाँ तो क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत हुई पानी आने फसलें मुआवजा आज जैसे हम यहाँ पर जो खरीफ की फसल नष्ट हुई थी अतिवृष्टि से, उसकी सहायता राशि शासन द्वारा वितरित की जा रही है, लेकिन आज यहाँ पे ग्राम पंचायत मैलोनी से लोग यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, जिनका कहना है कि वो हमें सहायता राशि अभी तक नहीं मिल पा रही है और लेखपालों को इन्होंने कागज देने के बाद अपनी जो भी चीज़ है वो प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद ही इनको सहायता राशि नहीं मिली। बगल के गांव के बता रहे हैं कि वहाँ तक सहायता राशि पहुँची है, गांव में एक आध दो लोगों को सहायता राशि मिली है और जिसकी मांग को लेके आज यहाँ पे किसान अपनी पीड़ा को बताने उप जिलाधिकारी महोदय मऊरानीपुर के पास यहाँ पे आए हुए हैं। समस्या है कि जो प्राकृतिक आपदा से जो फसलें नष्ट हुई थी, जो राहत दी गई थी, वो हमारे गाँव में अभी तक नहीं पहुँची है और किसान परेशान है। एक तो DAP की मार, ऊपर से जो जमीन भी के वजह से भी परेशान है कि व्यक्ति को पानी 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 नहीं मिल रहा है और जो कुछ आर्थिक सहायता मिल रही थी वो भी नहीं दी जा रही है। पास के पड़ोसी गांव में सभी लोगों को मिल चुकी है, बस हमारा मैलोनी ग्राम पंचायत पूरा मतलब किसी एक के दुख आदमी को सहायता मिली है। भाई फसल के पैसे नहीं आए और क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है और लेखपाल पैसा ले 100-100, 200-200 रुपया और पैसे डाले नहीं है। कब से परेशान है? एक महीने से। तो जी आज आप किन मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए हमारी जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग ये है कि जनपद झांसी में विगत माह पूर्व किसानों की संपूर्ण खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसका शासन ने सर्वे कराया था और उसमें मुआवजे की घोषणा की गई थी। जब सरकार ने मुआवजा की घोषणा कर दी तो किसानों तक मुआवजा नहीं पहुंचा अभी तक, इसलिए मजबूर होकर आज तहसील मऊरानीपुर में धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। आज यहां किसान तहसील कचहरी के चक्कर लगा रहा है और किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि किसानों की रबी फसल का सीजन है, किसानों को धन की जरूरत है, उसके पास पैसा नहीं है, उनको तत्काल खरीफ फसल का मुआवजा दिलाया जाए और DAP खाद की जो यहाँ किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है, किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहा है, किसानों के खेत सूख रहे हैं, तो सभी PCF केंद्रों सोसाइटियों में पर्याप्त DAP खाद की आपूर्ति कराई जाए, नहरों में सफाई कराकर वहां पानी छोड़ा जाए जिससे किसान अपने फसलों की बुआई कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में किसान रोड पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, चक्का जाम करेगा। जय किसान। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।
PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech, and Polytechnic Diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.